आज T20 विश्व कप 2024 के सुपर 8 में टीम इंडिया अपने आखिरी सुपर 8 मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम से भिड़ेगी। आज इस मुकाबले में दोनों टीमों की नजरें सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने पर होंगी। अपने पिछले मैच में अफगानिस्तान से 21 रन से हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मुकाबला करो या मरो का होगा। अगर टीम हारती है तो इस टीम का सफर यहीं समाप्त हो जाएगा। भारतीय टीम के पास आज 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार का बदला लेने का सुनहरा मौका होगा। वही ऑस्ट्रेलिया टीम इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने पर होगी। कैसा रहेगा पिच और मौसम का हाल, आइए जानते हैं। ये मैच आज डैरेन सैमी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट लूसिया में खेला जाएगा। अगर इस पिच की बात करें तो इस वर्ल्ड कप में अब तक इस मैदान पर 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें 3 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 2 मैच में रन चेस करने वाली टीम की जीत हुई है। टॉस जीतकर टीम पहले गेंदबाजी का फैसला करना पसंद कर सकती है। अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट में 31 बार आमने सामने आ चुके हैं, जिनमें से 19 बार बाजी टीम इंडिया ने मारी है, जबकि 11 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई है। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था। चलिए सबसे पहले जानते हैं टीम इंडिया के अब तक के सफर के बारे में। अगर बात करें भारतीय टीम की तो भारत को ग्रुप स्टेज में ग्रुप 1 में पाकिस्तान, USA, आयरलैंड और कनाडा के साथ रखा गया था। भारत ने अपने पहले ग्रुप मैच में आयरलैंड को 8 विकेट से हराया, जबकि उसके बाद चीन प्रतिद्वंदी को 6 रन से हराया। भारत के तीसरे मैच में अमेरिका से सामना हुआ, उस मैच में भारत ने 7 विकेट से जीता। भारत का 14 मुकाबला कनाडा से हुआ था, जो कि बारिश की वजह से रद्द हो गया था। वहीं सुपर 8 के पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराया था। वहीं अपने दूसरे सुपर 8 मैच में भारत ने बांग्लादेश को 50 रन से हराया था। इस वर्ल्ड कप की शुरुआत में जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम को ग्रुप में बी में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नामीबिया और ओमान के साथ रखा गया था। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले ही मैच में ओमान को 39 रन से हरा दिया था। उसके बाद इस टीम ने इंग्लैंड को 36 रन से हराया। अपने तीसरे ग्रुप मैच में भी ऑस्ट्रेलिया का दमदार प्रदर्शन जारी रहा और नामीबिया को 9 विकेट से हराया, जबकि अपने आखिरी ग्रुप मैच में इस टीम ने स्कॉटलैंड को 5 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने ग्रुप में टॉप पर रही थी। इसके बाद इस टीम ने अपने पहले सुपर 8 मैच में बांग्लादेश को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 28 रन से हरा दिया था। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम को अपने दूसरे सुपर 8 मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 21 रन से हार का सामना करना पड़ा था, जो कि इस साल का सबसे बड़ा उलटफेर है। अब बात करते हैं दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग 11 की। सबसे पहले जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग 11 क्या है। तो इसमें डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, टीम डेविड, मैथ्यू वेड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड और एडम जंपा शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं भारतीय टीम की। इसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जाडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह खेल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारे क्रिकेट केसरी टीम की फैंटेसी 11 क्या है। इसमें ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, डेविड वार्नर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, ग्लेन मैक्सवेल, एडम जंपा, जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस, कुलदीप यादव शामिल हो सकते हैं। वहीं इस टीम के कैप्टन होंगे रोहित शर्मा, जबकि वाइस कैप्टन आप बना सकते हैं विराट कोहली को। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें क्रिकेट केसरी।